से बोल लो, माता दी माता रानी माता रानी माता रानी जोर से बोल लो माता दी जोर से बोल लो माता दी माता रानी माता रानी जोर से बोलो माता दी जोर से बोलो। पहली बार 40 वर्ष हमको भी हो गए छड़ी यात्रा ले जाते हुए, उससे पहले भी कभी ये घटना कभी घटी नहीं। और इतना दुख है इस घटना से कि वो भक्त श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे, अपने परिवार के लिए मनोकामना करने आए थे, लेकिन एक मौत चोला बना करके उनको चली गई और 12 श्रद्धालु हमसे अलग हो गए। बड़ी दुखद घटना है, लेकिन इस पर राजनीति, वो लोग जिनका इस धर्म से संबंध नहीं है, वो अपने मुखारविंद से किस तरह से शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहते हैं, ये विषय समझ के अंदर नहीं आ रहा है। एक दुख की घटना है, सबको मिलकर के दुख को हरने का प्रयास करना चाहिए। और वो परिवार जिनके साथ ये घटना घटी, माता रानी का हमेशा आशीर्वाद रहा है और माता रानी हमेशा उनकी मनोकामना पूरी करती रही है। इस दुख की घड़ी के अंदर हमको मिलकर के इस दुख को सहने का प्रयास करवाना चाहिए, ना के कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री। वहां लोग बड़े थे, रश बड़ा पड़ गया, मैं 40 वर्ष होता जाते हुए, वो छोटी सी जगह 4 फुट की जगह के ऊपर लास्ट वाली जगह यहां चौकी है, वहां 5,000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। ये पहला उपराज्यपाल आया जिसने वहां से लेकर के भवन तक उस सारे रास्ते को लंबा चौड़ा करने का प्रयास, और सीईओ जो वहां का है अपने लेवल पे करोड़ों रुपया इकट्ठा करके वही एक छोटा सा रास्ता रह गया है उसको बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की शब्दावली, और मैं कहना चाहता हूं जब इनकी सरकार थी तभी हवाई यात्रा के ऊपर जजिया लगा था, उस महिला को भूलने का प्रयास है, उसी ने माता वैष्णो देवी के यात्री जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाते थे उन पर टैक्स लगाने का प्रयास करा था, टैक्स लगा हुआ आज भी, और कोई लोगों ने उसको तोड़ने का प्रयास नहीं करा।